कृष्णा और हम शुरू कर रहे हैं एक चक्र धाम की परिक्रमा। यह हमारे परिक्रमा घर तो शुरू हो चुका है। सो ये वो तालाब है जहाँ पे श्री नित्यानंद प्रभु के पेरेंट्स के लिए, नित्यानंद प्रभु के माता पिता के लिए नित्यानंद प्रभु ने सारे होली धामों को, सारे होली रिवर्स को यहाँ प्रकट किया था। तो एक बार ऐसा हुआ था कि नित्यानंद प्रभु के पेरेंट्स को होली धामों में या पवित्र नदियों में स्नान करने की इच्छा हुई, तो जाना चाहते थे, पर फिर उनको लगा, नित्यानंद प्रभु लगा कि तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, कैसे जाएंगे। नित्यानंद प्रभु ने सारे धाम यहाँ प्रकट किए, सारे धामों के मतलब होली रिवर्स को यहाँ प्रकट किया, और उन्होंने बोला हम कैसे माने कि ये सभी यहाँ पे नदियाँ आ चुकी हैं। तो नित्यानंद प्रभु के आह्वान पे सारी नदियों की जो प्रिसाइडिंग डिटीज़ हैं, जो देवी देव जो देवियाँ हैं, जैसे गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा, वो उठी, अंदर से निकली और नित्यानंद प्रभु के पेरेंट्स को प्रणाम किया। सो ये है वो बहुत ही पवित्र कुंड जहाँ पे इस पूरे पवित्र भारतवर्ष के सारे पवित्र तीर्थ यहाँ विराजमान हैं। आगे चलते हैं श्री एक चक्र परिक्रमा पे। हरे वाओ, एक चक्र धाम की ये वो जगह है जहाँ श्री नित्यानंद प्रभु के अम्बिलिकल कॉर्ड या जो पेट की नाल बोलते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है, तो वो काट के यहाँ पे नीचे ज़मीन में डाली गई थी। वहाँ पर ये बकुल का पेड़ है और ये बड़ा ही बहुत ही मर्सीफुल प्लेस है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नित्यानंद प्रभु अपने पास टाइम्स किया करते थे, ड्रामास किया करते थे। ऐसे अनेक ड्रामा थे जो वो रियल में खेला करते थे, एज इन नॉट ड्रामा ड्रामा। एक बार एक रामलीला में वो लक्ष्मण का रोल निभा रहे थे और जब मेघनाथ का तीर आके लगा और वो जब मूर्छित हुए तो वो मूर्छित ही हो गए, लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। एंड देन जो हनुमान बना था उसको याद आया कि अरे मुझे जड़ी बूटियाँ लेके आनी थी। एंड देन जड़ी बूटियाँ जब सुंघाई गई तब जाके नित्यानंद प्रभु वापस होश में आए। हमने यहाँ परिक्रमा की, नित्यानंद प्रभु की मर्सी की प्रार्थना की, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉन्ड है, अभी ढंग से दिख नहीं रहा पर आप आगे जाएंगे तो दिखेगा, यहाँ पर एक तालाब है जहाँ नित्यानंद प्रभु स्नान भी किया करते थे और अपने मित्रगणों के साथ खेला करते थे। आप देखेंगे यदि अगर तो एक चक्र ग्राम में, एक चक्र धाम में बहुत गैया है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ही बलराम है और ये एक गुप्त वृंदावन जैसा यहाँ पे माहौल है। तो आगे चलते हैं और क्या क्या देखने मिलेगा। हरे वाओ। माँ जी को लक्ष्मण, कन्हैया को बलराम, जय नित्यानंद राम, जय आदि गुरु बलराम, जय नित्यानंद राम। तो आज हम हैं एक और स्थान पे, एक चक्र धाम में। यहाँ का नाम एक चक्र धाम इसीलिए पड़ा क्योंकि जब भगवान कृष्ण क्रुद्ध होकर अर्जुन की रक्षा करने के लिए भीष्म पितामह पे अटैक करने के लिए वो रथ का पहिया उठा के दौड़े थे, और जब अर्जुन ने क्षमा मांगी थी तब भगवान ने कुरुक्षेत्र से जो पहिया फेंका था वो यहाँ आके गिरा था, इसलिए इस जगह का नाम है एक चक्र। बहुत लोगों को ये नहीं पता है, और यहाँ पे ही इसी जगह पे जिसको निधिवन कहा जाता है, यहाँ पे पांचों पांडवों की ब्राह्मणिकल इनिशिएशन हुआ था बाय श्री व्यासदेव, और यही वो जगह है जहाँ पे एक बकासुर नामक राक्षस था जो हर दिन कुछ लोगों को खा जाया करता था। तो उसको डिसाइड हुआ था यहाँ पे कि हर दिन एक घर से बहुत सारा भोजन बन के जाएगा और एक व्यक्ति भी जाएगा जो उस राक्षस का भोजन बनेगा। तो भीम ने जब ये सुना और कुंती महारानी को लगा कि सही समय है, अब हमें कुछ पराक्रम दिखाना चाहिए, तब भीम को भेजा गया सैक्रीफाइस से। इस सैक्रीफाइस के लिए भीम बड़े खुशी खुशी गए, हालांकि लोग डरते रह जाते थे कि अब वो राक्षस मुझे खा जाएगा, पर भीम बड़े खुशी खुशी गए और बकासुर राक्षस आया, उसके बाद सारा खाना चट कर गए, और जब राक्षस आया तो क्या हुआ, राक्षस का भी वध कर दिया। तो ये है वो पवित्र जगह जहाँ पे पांडवों की अनेक लीलाएँ हुई थी। आइए नेक्स्ट स्टेशन पर। सो हम हैं, ये लिखा है देखिए बंगाली में, नितायर बाड़ी, श्री श्री नित्यानंद प्रभु जन्म स्थान। तो दिस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु, यहाँ पे ही नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था। अंदर फोन अलाउड नहीं है, अंदर बहुत सुंदर जगह है जहाँ पे एक जगह पे नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है, क्योंकि घर से बाहर जन्म हुआ करता था, बिकॉज घर के अंदर क्या ऐसा माना जाता था कि घर अशुद्ध ना हो जाए, इसलिए घर के बाहर एक आउट हाउस बनाया जाता था जहाँ पे बच्चों का जन्म हुआ करता था, और वहीं पे नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था। और साथ में अंदर एक षष्ठी तला, एक माता जहाँ पे जिनके जिनसे श्री नित्यानंद प्रभु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की थी, उसका भी एक मंदिर है। एंड जहाँ पे
श्री नित्यानंद प्रभु के माता पिता हड़ाई पंडित और पद्मावती माता रहती थी, वो एक रेप्लिका जैसा भवन भी बनाया हुआ है। ये सब तो खैर हो गई देखने की बातें, बट इंटरनल सेटिस्फैक्शन इतना ज़्यादा है, कितने सुंदर विग्रह हैं, हम नहीं कैप्चर कर पाए, बट विल ट्राई, जैसा भी कभी इंटरनेट से लेके दिखाएं आपको। पर हाँ, वो तालाब भी है जहाँ पर नित्यानंद प्रभु स्नान किया करते थे जब वो छोटे थे, तो बहुत ही सुंदर है। आइएगा आप सब भी और इस यात्रा के माध्यम से मानसिक एक चक्र धाम परिक्रमा कीजिए। हरे कृष्णा। आपने सुना था कि ये अभिन्न वृंदावन है, तो यहाँ बहुत गैया है, आप देख सकते हैं एक माता के घर में कितनी गाय है, सबकी हमारी देसी गाय है, देख सकते हैं बड़ी सुंदर गैया है, बछड़े वगैरह भी हैं, और इसीलिए यहाँ पे दूध की पैदावार बहुत बहुत। यहाँ पे ऐसा भी कहा जाता है कि द बेस्ट मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन एक चक्र धाम। बलराम जी धानी बल को नित्यानंद कृपा को। ये एक बहुत ही स्पेशल विशेष मंदिर है। ये मंदिर है श्री बांका रॉय या बंकिम रॉय। बंकिम रॉय कौन थे? बंकिम रॉय या बंकिम राय श्री नित्यानंद प्रभु के छोटे भाई थे, और ऐसा कहा भी है कि वो कृष्ण ही हैं। और उनका जो आपने विग्रह देखा, ऑफ कोर्स कितना सुंदर है, एकदम बांके खड़े हैं, त्रिभंग ललित बहुत ही सुंदर तरह से खड़े हैं। तो यहाँ पे क्या लीला हुई थी? लीला ऐसी हुई थी कि जब बंकिम रॉय जो एक बार हड़ाई पंडित को भूख लग रही थी और अभी तक किचन में खाना बना नहीं था, तो माता पद्मावती देवी जब खाना बनाने के लिए जा रहे थे, उसके पहले बंकिम रॉय चले गए और वहाँ जाके खाना बनाया। और जब पद्मावती देवी गई तो देखा कि बंकिम रॉय जी ने उन्हें अपने चतुर्भुज विष्णु मूर्ति के दर्शन करवाए, 1 2 3 4, और तब उन्हें समझ में आया कि तो स्वयं विष्णु हैं। जब बंकिम रॉय इस पृथ्वी से अंतर्धान हुए, तब नित्यानंद प्रभु ने यह बोला, ये कहा था कि यहाँ पर जो नदी है उसमें एक लकड़ी, बड़ा लकड़ी का तना लॉग फ्लोट करते हुए आएगा, और तभी वो आया और फिर उसको उठा के स्वयं नित्यानंद प्रभु ने इस सुंदर विग्रह बनाए हैं बांका रॉय या बंकिम रॉय के। और जब नित्यानंद प्रभु ने अपनी लीला समाप्त की तो वो स्वयं उन्हीं विग्रहों में एंटर हो गए, इसी बंकिम रॉय विग्रह में वो एंटर हो गए, इसीलिए इन्हें कृष्ण बलराम भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो दो देवियाँ हैं, वो वसुधा और श्री जानवा देवी, वो स्वयं मैनिफेस्टर हैं, किसी ने बनाया नहीं है उन्हें, इसीलिए विग्रह बहुत 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 स्पेशल है, ये स्थान बहुत स्पेशल है गौड़ी वैष्णव के लिए। तो जल्दी ही दर्शन कीजिए और प्रार्थना कीजिए बंकिम रॉय से, श्री श्री नित्यानंद प्रभु से, वसुधा एवं जानवा माता से कि भक्ति में हमें आनंद हो। और ये है हमारा इस्कॉन एक चक्र मंदिर, जहाँ पे हमने अपनी परिक्रमा समाप्त की। हरे कृष्णा। वॉचिंग आवर वीडियो, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और वीडियोस के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। हरे कृष्णा।